जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग, स्वागत है फिर से हमारे अपने YouTube चैनल में। सो गाइस, आज मैं लेके आया हूँ एकदम बेहतरीन वीडियो जो कि है हमारे बीटेक फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट के बारे में। तो फाइनली गाइस, यहाँ पे अपना आप 12th तो फाइनली गाइस आप यहाँ पे अपना 12th कंप्लीट कर करके और बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करके आप एक एडमिशन लेते हैं वो बीटेक में। वो भी आपके सारे बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि हम किस कॉलेज में एडमिशन लें, किस कॉलेज में एडमिशन ना लें, अगर हमें कॉलेज सेलेक्ट सही मिल जाता तो कौन सी ब्रांच हम लें, कौन सी ब्रांच नहीं लें। सो गाइस, मैंने बहुत सारी रिव्यू कॉलेज की वीडियोस बनाई हैं और व्लॉग्स भी मैंने इस चैनल में अपलोड करके रखे हैं। तो जाइए और अभी विजिट करिए जाकर के, उन व्लॉग्स और रिव्यू को देखिए जाकर के। अगर आप यहाँ पे देख चुके हैं तो एटलीस्ट ये वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि बीटेक फर्स्ट ईयर में जो भी जितने भी सब्जेक्ट होंगे फर्स्ट सेकंड में एंड सेकंड सेमेस्टर में, जो भी हमारे टॉपिक्स होंगे, जो भी हमारे सब्जेक्ट्स होंगे, हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लीज़ इसको एट द एंड तक देखिएगा। सो गाइस, हम यहाँ पे हमारे पास जनरली कौन सी ऑडियंस आई हुई है जो हमारी बीटेक में एडमिशन ले चुकी है और एक पर्टिकुलर ब्रांच हमारी यहाँ पे सेलेक्ट कर चुकी है। तो यहाँ पर ये वीडियो किस किस के लिए है, कौन कौन से स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स अपने डाउट यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हमारे पास है, बीटेक स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं और इस वीडियो को देखने के लिए जो भी हमारे क्या फर्स्ट ईयर में जो भी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है, यानी आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, उस सब्जेक्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं और मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। सो वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइस, हम यहाँ पे पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में जो कि सब्जेक्ट है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये किस किस ब्रांच के लिए है। जनरली हमारे सीएससी ब्रांच के लिए, आईटी ब्रांच के लिए है, और मैकेनिकल ब्रांच के लिए है, सिविल ब्रांच के लिए है, और यहाँ पे हमारी ईसी ब्रांच के लिए है, और जितनी भी रिमेनिंग ब्रांचेस है उनके लिए है। सो गाइस, वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से दीजिएगा, बहुत ज़्यादा फोकस होकर देखिएगा, तो देखिएगा आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है। सो गाइस, विदाउट किसी देरी के हम चलिए चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे वन ईयर में दो सेमेस्टर्स होते हैं, तो दो सेमेस्टर में पहले सेमेस्टर में कुछ अलग सब्जेक्ट रहेंगे और दूसरे सेमेस्टर में भी कुछ अलग सब्जेक्ट रहेंगे। तो होता क्या है, फर्स्ट ईयर जो होता है हर बीटेक स्टूडेंट का सेम होता है। मान लीजिए कि हमारे पास क्या होता है, आईटी और ईसी ब्रांच पे जो हम लोग में फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट रहेंगे उन लोग सेकेंड सेमेस्टर में रहेंगे, और जो उन लोग में फर्स्ट सेमेस्टर में रहेंगे उन लोग के सेकेंड सेमेस्टर में रहेंगे। तो ऐसा सब्जेक्ट क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है, लेकिन फर्स्ट ईयर के अगर हम कोर्स मिलाए तो वो बराबर होता है। तो गाइस, हम बात करने जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले करके यहाँ पे आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में फेस करने पड़ेंगे। तो चूंकि एक सब्जेक्ट पर होता है कॉमन जो कि है मैथ्स वन, जो कि हर स्टूडेंट चाहे कोई भी ब्रांच हो उसके लिए कॉमन होता है, उसको पढ़ना ही पढ़ना होता है। मैथ्स वन क्यों कॉमन होता है, मैं इस आपका रीजन इस वीडियो में क्लियर कर दे रहा हूँ, आपको ये डाउट कहीं भी नहीं बताया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे ही डाउट ये आपका क्लियर होगा। मैथ्स वन ये इसलिए जरूरी होती है क्योंकि आप 12th अभी कंप्लीट करके आए हैं और आपके जो जितने भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन के जितना भी पार्ट है आपका फ्रेश अभी पड़ा हुआ है। तो क्या होगा, जो कि नेक्स्ट थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल आपको बीटेक में मिलने वाला है, तो अभी आप फ्रेश चीज़ें पढ़े हैं और उससे क्या है इंटरकनेक्टेड है ईच अदर, तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। अगर डायरेक्टली आपको हाई लेवल पढ़ाया जाएगा तो आपको समझने में काफ़ी दिक्कत होगी, इसलिए जो फर्स्ट ईयर मैथ्स वन है वो सबके लिए कॉमन है और काफ़ी ईजी भी मानी गई है। फर्स्ट ईयर तो मैथ्स वन ले ली गई है, और यहाँ पर हमारा दूसरा सब्जेक्ट आता है फिजिक्स, और दूसरा सब्जेक्ट हमें फिजिक्स आता है जो कि फिजिक्स में हमारे क्वांटम वगैरह है, वेव ऑप्टिक्स वगैरह सारे सब्जेक्ट हैं। खैर, ये तो हम सिलेबस में आ जाते हैं, तो सिलेबस की चीज़ें मैं आपको, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए तो मैं सिलेबस जितना भी हर सब्जेक्ट का है पर्टिकुलर सिलेबस में यहाँ पे डिटेल वीडियो बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइए, और जो भी डाउट्स होते हैं आपके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लीक कर दीजिए। तो पहला सब्जेक्ट हमारा हो गया मैथमेटिक्स, दूसरा सब्जेक्ट होगा फिजिक्स, और तीसरा सब्जेक्ट हम लेकर के आते हैं अपना इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट माना गया है। और इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है जो कि फोर्थ सब्जेक्ट हमारा माना गया है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स एक बेहतरीन सब्जेक्ट है, फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक्स ये सब्जेक्ट्स क्या हैं, एक ही पहले हमारे 12th तक क्या थे, सब कंबाइंड फॉर्म में मिलते थे, लेकिन अब जो कि हम बीटेक पढ़ रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा
फेमस कोर्स बैचलर कोर्स कर रहे हैं तो इसको पर्टिकुलर डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। फिजिक्स जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स है, मैकेनिक्स आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाती है, ये तीन फिजिक्स ही हैं, लेकिन इसको पर्टिकुलर डिवाइड हमें कर दिया गया है। तो पहले मैथ्स वन देखने को मिलता है, फिजिक्स देखने को मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक्स देखने को मिलती है और मैकेनिक्स देखने को मिलती है। तो तीन यहाँ पे हम फिजिक्स मिल जाती है और एक मैथ्स वन मिल जाती है। और जो कि आपका पांचवा सब्जेक्ट रहता है वो हमारा रहता है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल एक टेक्निकल कम्युनिकेशन, एक इंग्लिश है जो कि आप लोग पढ़ते हैं कि हाउ टू बिहेव, व्हाट इज द लीडरशिप, ओरल कम्युनिकेशन क्या है, रीडिंग स्किल क्या है, लिसनिंग स्किल क्या है, राइटिंग स्किल क्या है, यानी हम बोलने कैसे, लोगों से बात कैसे करें और लिखने का तरीका क्या है। फर्स्ट यूनिट हमारी आती है ग्रामेटिकल पोर्शन, यानी ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कौन से सब्जेक्ट फेस करने पड़ेंगे, पहला आपका मैथ्स वन, दूसरा आपका फिजिक्स, तीसरा आपका मैकेनिक्स, चौथा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, पांचवा आपका सॉफ्ट स्किल। तो चूंकि मैंने ये फर्स्ट सेमेस्टर की बात की है तो देखते हैं सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं। ये मैं यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट दिखा रहा हूँ, इनको डिटेल बोल के मैं आपको दिखा भी दूंगा। चूंकि अब हम सेकंड सेमेस्टर में आ चुके हैं, जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो सेकंड सेमेस्टर में दूसरे को सब्जेक्ट, फर्स्ट सेमेस्टर दूसरे जो अदर ब्रांच के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे वो हम सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। जस्ट लाइक सीएस मैकेनिकल का बच्चा एक तरफ है और आईटी और इसी बच्चे का एक तरफ है। जो हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे वो लोग सबक सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे और इन लोग के फर्स्ट वाले हम लोग सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो कुछ ऐसा है, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो को थोड़ा सा 5-10 सेकंड बैक करके फिर से देखिए, आपका डाउट 100% क्लियर होगा। सो गाइस, हम सेकंड सेमेस्टर में बात करने जा रहे हैं, वो सबके लिए कॉमन होगा, मैथ सेकंड, यानी आप मैथ वन को फेस कर चुके हैं तो आप अब देखेंगे मैथ सेकंड। उसके बाद हम देखते हैं आपने यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट माना गया है। उसके बाद अपना थर्ड सब्जेक्ट हम फेस करते हैं पीपीएस। पीपीएस भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सब्जेक्ट हमारा माना गया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी माना गया है। और सेमेस्टर फर्स्ट में हमारे पास थी फिजिक्स, इसलिए सेकंड सेमेस्टर में हमें केमिस्ट्री का सामना करना पड़ रहा है। तो मैथ सेकंड, इलेक्ट्रिकल, पीपीएस एंड केमिस्ट्री। और चूंकि हमारा जो पांच सब्जेक्ट हमारे रहेंगे इस टोटल पूरे फन ईयर में, यानी हर सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट रहेंगे, तो 5 सब्जेक्ट सामना हमें फेस करना पड़ेगा। हर सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट रहेंगे तो गाइस हमें 5 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो मैंने आपको बताया मैथ सेकंड और पीपीएस, इलेक्ट्रिकल, केमिस्ट्री, चूंकि पांचवा सब्जेक्ट हमारा रहेगा ईवीएस, जो कि आपको ईवीएस भी पढ़ना पड़ेगा। जितनी भी हमारी ईवीएस की चीज़ें रिलेटेड है सारी हमें सेकंड सेमेस्टर में पढ़नी होंगी। सो आई होप मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, आप इसको देख सकते हैं और जितने भी आपको डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। और आपको कौन सा बीटेक फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे आपने डाउट क्लियर हो गया होगा। और जितने भी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जो आप रहेंगे, कौन सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, मैं सारे डाउट्स आपको क्लियर करा दूंगा। और चूंकि आपको फर्स्ट ईयर फेस करना पहले, इसलिए मैंने फर्स्ट ईयर की वीडियो बनाई है। सो गाइस, अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब एटलीस्ट जरूर करिएगा। वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगती है। आपको कहीं भी एडमिशन चाहिए, कोई भी, अगर कोई भी आपको दिक्कत आई तो मैं आपके एडमिशन कराने में भी हेल्प करा दूंगा। सिर्फ एडमिशन वाले ही इंक्वायरी करें और कैसा कॉलेज, क्या सीन रहता है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।